आम आदमी पार्टी से चुनावी दोस्ती कांग्रेस में कलह की वजह बन गई है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद अब पार्टी के दो पूर्व विधायकों नसीब सिंह और नीरज बसोया ने बगावत करते हुए इस्तीफा दे दिया है। दोनों ही नेताओं ने आप से कांग्रेस की दोस्ती पर तीखे सवाल पूछते हुए खुद को पार्टी से अलग कर लिया। नसीब और नीरज ने पूछा कि क्यों कांग्रेस ने एक ऐसे दल के साथ गठबंधन किया जो उनकी तीखी आलोचना करती है। साथ ही ये भी कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये गठबंधन मंजूर नहीं है। बता दें कि पूर्व विधायक नसीब सिंह ने कहा कि कांग्रेस की जो आज हालत है वो केवल आम आदमी पार्टी की वजह से है, जिसने दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार और केंद्र के यूपीए सरकार के खिलाफ झूठा प्रोपोगेंडा चलाया। उन्होंने कन्हैया कुमार और उदित राज की उम्मीदवारी को लेकर भी सवाल खड़े किए और कहा कि वो पार्टी की विचारधारा से जुड़े नहीं हैं। नसीब सिंह ने एक बातचीत में कहा, हम सीनियर नेता करीब 30 से 35 पूर्व विधायक जो दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार का हिस्सा रहे थे, आम आदमी पार्टी से गठबंधन का विरोध कर रहे थे। हमने कहा कि एक पार्टी जिसने हमारे लिए खराब भाषा का इस्तेमाल किया, सोनिया गांधी और शीला दीक्षित को जेल भेजने की बात कही थी, राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने की बात कही, हम कैसे उनके साथ गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन हाईकमान ने हमारी बात नहीं सुनी और गठबंधन कर लिया। नसीब सिंह ने आगे कहा, मुझे लगता है कि गठबंधन एक ही सीट पर है क्योंकि दो लोग हमारी विचारधारा से नहीं है। आज पार्टी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम ऐसे दल के साथ काम नहीं कर सकते जिसने झूठा प्रोपोगेंडा चलाकर हमें खत्म किया। हम नहीं देख सकते जो कुछ सोनिया गांधी के नेतृत्व छोड़ने के बाद पार्टी में चल रहा है। नसीब सिंह ने कांग्रेस पार्टी में अरविंद केजरीवाल के हस्तक्षेप का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से दिल्ली कांग्रेस कमेटी चला रहे हैं। कन्हैया कुमार और उदित राज जो कांग्रेस की विचारधारा से नहीं जुड़े हैं, खड़गे जी की तस्वीर नहीं लगा रहे, क्या सत्ता के लालच में कांग्रेस इतना नीचे गिर जाएगी। नीरज बसोया ने भी आम आदमी पार्टी से कांग्रेस के गठबंधन की आलोचना की और इसे पूरी तरह से गलत, अव्यवहारिक और अप्राकृतिक बताया। बसोया ने एक बातचीत में कहा, मैंने साफ तौर पर खड़गे को लिखे लेटर में कहा कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन पूरी तरह से गलत, अव्यवहारिक और अप्राकृतिक है। संविधान बचाने के नाम पर उन्होंने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खत्म कर दिया। हम जनता को चेहरा नहीं दिखा सकते। 10 सालों तक सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष चिल्लाते रहे कि वो धोखेबाज और भ्रष्ट है। हम कैसे अपने दुश्मन के साथ दोस्ती कर सकते हैं? इस गठबंधन को लेकर दी गई दलीलों को हम नहीं समझ पाते। यदि हम नहीं समझ पा रहे तो जनता कैसे समझेगी? उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वादों और गांधी परिवार या अन्य कांग्रेस नेता के बारे में बात नहीं करती, वो केवल अरविंद केजरीवाल पर बोलते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कांग्रेस आगे अपना क्या फैसला लेती है।